अरे ओए माधर, सुना पता नहीं माधव बोल रहा था कि माधर बोल रहा था पता नहीं। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच ब्रो। आपका कोई भाई नहीं ब्रो? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बहन है जो बाहर बैठी हुई है। शी हेल्प मी अ लॉट इन इन माय जर्नी। वी बीन टुगेदर एंड ऐसे होते हैं ना, आई मीन यू नो, परिवार में लोग साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई वाज वेरी लकी दैट माय फैमिली वाज विद मी एंड आई ओ अ लॉट टू माय फैमिली, टू अ लॉट माय मॉम, जिसके जिनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी है। मैंने सारी राइटिंग की चीजें सब कुछ मैंने सीखा है। तो जितने सारे लोग हैं जिनके बारे में भूल भी गया हूँ, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं आता, जो यू नो इस जर्नी में मेरे साथ में थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? यू नो आई नो हिप हॉप इज अ वेरी कूल मीडियम एंड बट डोंट डू नॉट फॉरगेट वेर यू कमिंग फ्रॉम। एंड वो सारे लोग जो हिप हॉप में आ रहे हैं अभी, वो सारे लोग जो हिप हॉप करना चाहते हैं, कि मैं बहुत सारी मोनोटोनी देखता हूँ यार गानों में ना, बहुत सेम चीजें देखता हूँ, बहुत अननेसेसरी का गैंगस्टर शिट देखता हूँ, बहुत जबरदस्ती की चीजें देखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत फेकिज्म देखता हूँ, बहुत एक्ट, बहुत वेस्ट ब्लैक रैपर्स बनने की कोशिश देखता हूँ। मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड दैट यू आर इनटू द कल्चर, अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू लिव दैट हिप हॉप रैपर्स लाइफ, बट यू आर इन इंडिया ब्रो। आई मीन इफ यू आर इन रोम यू आर टू बी अ रोमन। आप इंडिया में हो, आप हिंदुस्तानी हिप हॉप करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा कल्चर क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस क्या है। अपने एक्सपीरियंसेस वो नहीं है, वो गैंग शिट नहीं है जो लोग कर रहे हैं। और यू नो तो वहाँ उल्टा होता है, मुझे ऐसा लगता है जो गैंगस्टर्स थे जो हिप हॉपर्स बन गए, यहाँ पर भी उल्टा है। जब हिप हॉप पहले करते हैं उसके बाद दे ट्राई टू बी अ गैंगस्टर, व्हिच इज सो फनी टू मी टू बी ऑनेस्ट विद यू। इसलिए मैंने बोला है, नहीं बोला है कि यू नो यहाँ कालो जिसे बनने की आज बहुत है, हॉच पॉच, यू नो सब लोग का स्टूडियो गैंगस्टर्स ब्रो, दैट्स अ बिग वरी। हाँ समरी सेइंग आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि उल्टा है। यू नो ऑल द पीपल आर यू नो फ्रॉम 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 टूपाक टू 50 टू everybody who was into you know the real gang thing and then they got into hip hop as a medium of escape. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उनके साथ में हुआ नहीं है, लेकिन लेकिन अननेसेसरी वो चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना आई फाइंड इट लिटिल फेक। सो आई डोंट कनेक्ट विद दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। आई देयर आर सो मेनी गुड रैपर्स हु आर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स। यस देयर इज इंपॉर्टेंट टू फ्लेक्स, टू बोस्ट, टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। बट इफ इट हैपेंस लाइक टू मच एंड टू टू ऑफन एंड टू फेक, मुझे लगता है क्या चुतिया पर चल रहा है यार। मतलब ये क्या है, मतलब मुझे लिटरली देखकर हंसी आती है जब लोग गाने वाने सुनाते हैं और मैं गाने देखता हूँ, मुझे लगता है कि आई मीन इट्स एंड आई डोंट नो, आई मीन इट्स वेरी फनी टू मी, आई मीन इट्स वेरी फनी। सो या आई मीन पीपल, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ऐसी मेरा सफर है। क्योंकि मेरे गाने आप लोग के साथ में थे, जो भी गाने मैंने किए हैं वो दैट केम स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे और झूठ बोलता था दोस्तों से, सब काम में फंसा हुआ हूँ अभी। डे बाई डे अकेले काटने को दौड़ता था शहर बॉम्बे, और कितनी जोर से चीखू कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। सो आई वॉज एग्जैक्टली इन दैट कंडीशन, और उस कंडीशन में ही अपने मैंने गाने लिखे जो उस वक्त मेरे साथ में हो रहे थे। वो कालिया हो, वो यादें हो, वो लूजर हो, वो केमिकल्स हो, वो बिन बुलाए हो जो अभी आया हो, या फिर वो हैंकॉक हो, या मिराज हो, यू नो मिराज, यू नो एग्जाम्पल मिराज, यू नो आई जस्ट रियलाइज कि यार यहाँ पर मैं पहुंचना चाहता था कभी। और ऐसे ये सब लोग के साथ में ऐसा होता होगा कि आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आप लोग ऑलरेडी वहां पर हो, यू ऑलरेडी रीच्ड वेर यू वॉन्टेड टू रीच एंड देन यू स्टिल यू रियलाइज दैट यू एक्चुअली अचीव नथिंग। तो इट्स लाइक चेजिंग मिराज, यू नो। अगर जिन लोगों ने मिराज नहीं सुना है, प्लीज आप लोग जाकर एक बार मिराज सुनिए, और यू नो और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, दैट जो अपनी जो जो लड़ाई है ना, जो आगे बढ़ रहे हैं वो नेवर एंडिंग है। तो हुआ होगा घर में आपके झगड़े हुए होंगे, यू नो यू मस्ट हैव फॉट विद योर मॉम एंड डैड, यू मस्ट हैड अ हैवी अपब्रिंगिंग, और यू मस्ट हैव बीन इनटू सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन। आई मीन टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स ना ब्रो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना किल यू, आई एम गोना गैंग गैंग गैंग। आई मीन कितने लोग को मारा भाई, किसी ने कितने लोग के साथ में लफड़े हो गए भाई, कितना तू रियल गैंगस्टर है जो भी है। सो आई वांट टू नो ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स वेरी फनी टू मी टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय हु इज अ बिग फैन ऑफ एमिनेम एंड यू नो ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड जे कोल्स एंड लमार्स एंड ऑल दोस पीपल हु आर इनटू who are themselves basically, you know. So you don't want, you don't have to dress like them, you don't have to talk like them, you don't have to be like them, you can be yourself and create your own gangster shit, so to speak. So wo kar sakte ho, uski zarurat nahi hai.
आपको यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग. अभी सभी एक को लोग को फॉलो करने लगेंगे, सभी एक समान दिखने लगेंगे, तो अलग कौन रहेगा मेरे भाई, अलग कौन रहेगा. सभी एक ही टॉपिक पे बात करते रहेंगे, सभी वही करते रहेंगे, तो कैसे बढ़ोगे आगे, क्या करोगे, कैसे डिफरेंट लगोगे. सो व्हाटएवर यू फील इज गुड. And yeah, I mean, you know, be real, bro. That's all I'm trying to say. Just be real. Don't be fake. Don't get caught up with this Instagram hype. Don't get caught up with the picture, the photos that people are putting. Don't get misled by all those perception जो लोग आपको डाल रहे हैं, वो सब real नहीं है. Just be kalam, bro. Just be real, you know. Just be real. That's all I have to say. क्या कर रहा है तू अभी? इतना हिप हॉप सुनता नहीं है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपका फैन हूँ. मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ब्रो कि आपके जैसे लोग जो जो मेरे गाने सुनते हैं और जिनके कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है. एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू ऑल माय सॉन्ग्स एंड बिलीविंग इन मी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. डीनर रैप इंडस्ट्री का क्रिस्टियानो रोनाल्डो. थैंक यू. आई एम अ मेसी फैन बाय द वे. मेसी मुझे जेन्युइन लगता है. ऐसा लगता है कि डेथ लगती है. तो दिनों कोलैब विद एमिनेम और एमिवे. एमिवे इज अ गुड आर्टिस्ट ब्रो. करेंगे जब मौका मिलेगा, सबके साथ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो लास्ट अपडेट, जो लोग अभी ज्वाइन किया, जिन लोगों ने जो लोग सुनना रह गया, आई एम गोना कम अप विद लॉट्स ऑफ हैवी न्यूज ब्रो. बिग बिग फकिंग न्यूज कमिंग ऑन योर वे. नंबर वन टू बिगिन विद, आई एम गोना ड्रॉप माय सॉन्ग सून. गाने का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि पोस्टर के लिए और एड के लिए मैंने बहुत खर्चा किया है. तो द पोस्टर रिलीज करूंगा और टीजर रिलीज करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा. बहुत ही ज्यादा सूदिंग, जो मेरा एक जोन है जो आप लोगों को बहुत पसंद है और आप लोगों ने बहुत लाइक किया था उस गाने को, उस जोन का गाना है. बहुत ईजी लिसनिंग है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी वाइब है. एंड बताना मुझे तो कि आप लोग को कैसा लगा सारी चीजें. आप लोग को बहुत पसंद, एक भी गाना जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, सारी गाने में आपको गारंटी देता हूँ. जैसे बिंदुलाई के पहले भी मैंने आपको बोला था, आई फाउंड माय न्यू सॉन्ग साउंड. सेम स्टोरीज है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे कि अपना गाना चेंज हो रहा है, जैसे साउंड चेंज हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू अडैप्ट न्यू सॉन्ग साउंड. आई एम ट्राइंग टू वर्क विद न्यू पीपल, आई एम ट्राइंग टू वर्क विद न्यू एनर्जीज. और बहुत 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 मजा आ रहा है. जो पुराने लोग अपने साथ है वो तो हमेशा रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे. आपको लिटरली कोई आइडिया नहीं, आप कोई ग्रुप से नहीं हो, आप किसी के साथ में नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे आपको गाने बनाने हैं. आप रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, इसलिए बहुत सारे टाइम में, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू गाइस नो, कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं स्पोकन वर्ड कर रहा हूँ. मैं वो साउंड करता था वैसे, लेकिन स्पोकन वर्ड में नहीं कर रहा था. इन माय हेड आई वाज ट्राइंग टू कम अप विद माय फ्लो, क्योंकि मुझे पता नहीं था. देयर वाज नो गाइडेंस. जब आप ग्रुप में आगे बढ़ते हो ना, देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन, हु आर देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू टेल यू कि कैसे चीजें होनी है. लेकिन यू नो, उस वक्त मुझे पता ही नहीं था. सो एंड थैंक गॉड, अभी मेरे को रियलाइज होता है. मैं अभी हिमांशु को उस दिन बोल भी रहा था कि थैंक गॉड कि मैं इंस्पायर नहीं हुआ यार किसी से. थैंक गॉड मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ. थैंक गॉड कि मैं कोई कल्चर से नहीं आया हूँ यहाँ के. मैंने अपना ओल्ड कल्चर बनाया, मैंने अपनी खुद की चीज़ें बनाई है. तो सो वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, एक्चुअली दैट आई कुड कम अप विद माई ओन थिंग. मैंने जो दिमाग में आया वैसा किया और मेरी एक आइडेंटिटी वैसे बनी. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है. मुझे जाना है क्योंकि मेरे प्रॉन्स और मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं. मैं आप लोगों को बताता रहूँगा. बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे एक्चुअली यार.